खबर भोपाल से है, जहां कोविड को लेकर एमपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 27 दिसंबर को अस्पतालों में कोरोना नियंत्रण की मॉक ड्रिल की जाएगी, तो ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, अन्य की स्थिति को लेकर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। पिछले 48 घंटे में एक भी नया केस हालांकि एमपी में नहीं आया है, ये राहत भरी खबर है। एमपी में कोविड पॉजिटिविटी दर फिलहाल 0 है, तो प्रदेश में फिलहाल 4 एक्टिव केस मौजूद हैं और प्रदेश ने केंद्र से 5 लाख कोविशील्ड के डोज मांगे हैं। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बूस्टर डोज लगवाने की लोगों से भी अपील की है, तो यहाँ पर सतर्क रहने की अपील सीएम की ओर से की जा रही है। साथ ही अभी पैनिक होने, घबराने की जरूरत नहीं है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही लोगों से कहा कि इस स्थिति में पैनिक ना हो और साथ ही घबराए नहीं। तो यहाँ पर अब मॉक ड्रिल किया जाएगा, 27 दिसंबर को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगा, तो कोविड को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान पूरे सतर्क तरीके से इस पूरे मामले को लेकर देख रेख कर रहे हैं। अच्छा, मॉक ड्रिल हम 27 दिसंबर को करेंगे, जिसमें अस्पताल में व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन, हमारे दवाइयाँ और कोविड से निपटने के लिए जितनी आवश्यक तैयारियां हैं, वो सारी की सारी तैयारियां मॉक ड्रिल के माध्यम से भी हम देख लेंगे। भोपाल से मेरी सहयोगी मितांशी हमारे साथ जुड़ गए। मितांशी, कोविड को लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, इसी बीच एमपी में अब 27 दिसंबर को कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। कि जिस तरीके से अन्य देशों में कोरोना विस्फोट हो रहा है, उसके बाद केंद्रीय सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों ही अलर्ट पर है, और इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान में उतर चुके हैं, खुद लगातार कोविड की जो स्थिति है उसकी वो समीक्षा कर रहे हैं। और कल उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसके बाद ये तय किया गया है कि मध्य प्रदेश में आने वाले 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल की जाएगी कोरोना नियंत्रण की स्थिति की। अब इस मॉक ड्रिल में ये पता लगाया जाए कि फिलहाल हॉस्पिटल में बेड्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, इन सब की स्थिति क्या है, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार मारामारी हुई थी दूसरी लहर में, काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ा था, तो इस बार वैसी स्थिति दोबारा से उत्पन्न ना हो, इसको लेकर सीएम शिवराज कड़े निर्देश दे चुके हैं। और केंद्रीय की तरफ से भी निर्देश आया है कि 27 दिसंबर को सभी जगह मॉक ड्रिल की जाएगी। मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी राहत भरी खबर ये है कि फिलहाल मध्य प्रदेश में 48 घंटों से कोई भी कोरोना का केस नहीं आया है, और जहां कल एक्टिव केसेस की संख्या 7 थी, वो आज गिरकर 4 पर हो गई है। तो फिलहाल यही सबसे बड़ी राहत है कि कोविड के केसेस एमपी में नहीं बढ़ रहे हैं। इसी बीच जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कल वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर जुड़े थे, उन्होंने यहाँ पर 5 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की मांग की है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सतर्कता डोजेज हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक जो फ्री डोज लगाए गए थे उसके बाद ही कमी देखी जा रही है, लेकिन दोबारा से कोविड वापस ना लौटे और उसके लिए सतर्कता बरतने के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की मांग 5 लाख डोजेस की गई है, जिसकी तरफ से केंद्र सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश वासियों को कोविड वैक्सीन जो है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी, सरकार को उपलब्ध करवा दी जाएगी। लेकिन लगातार मॉनिटरिंग जारी रहेगी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार खुद जो है इसकी मॉनिटरिंग करने वाले हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हर हफ्ते कोविड के नियंत्रण की स्थिति की बैठक होगी। एमपी में कितनी तैयारी है उसको लेकर अब 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल की जाएगी। अमितांशी हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर अपडेट ली जाएगी।